हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। और आज मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को थोड़ा प्रॉपर तरीके से देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो चलो देखेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि UGC का पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, ओके, UGC नेट का फर्स्ट पेपर का, जनरल पेपर का, जो टीचिंग पेपर का सिलेबस है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मेन ऑब्जेक्टिव टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्चेबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, ओके। देयरफॉर द टेस्ट इज एम टू असेसिंग द टीचिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज देयर अवेयरनेस। दे आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस एंड एग्जिबिट ए कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंशन, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments and deductive inductive reasoning. The candidate are also expected to have a general awareness and knowledge of source of information. They should be aware of interaction between people and environment and natural resources and their impact on quality of life. The details are given in the below. Okay dosto, to ye is tarike se syllabus ko design kiya gaya hai, jis tarike se सपोज़ ये एग्ज़ाम पास होने के बाद हम लेक्चरर, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो हमें किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए तो हम स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। तो उस तरीके से इस सिलेबस को जैसे कि डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ही अहम बात होती है। तो हम चलेंगे, पहला जो चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो चैप्टर है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या कवर किया जाएगा टीचिंग में, जैसे कि टीचर का नेचर क्या हो सकता है, उसके साथ साथ ही स्टूडेंट का नेचर भी, जैसे कि जान पहचान लेना बहुत ही ज़रूरी बात हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एज वेल एज लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एज ए टीचर वी शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक्स विच शुड बी और हाउ टू एनालाइज स्टूडेंट्स। सो दिस शुड बी काइंड ऑफ कंप्लीट द सिलेबस, लाइक द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्यूशन सिस्टम। ये जो पॉइंट्स है ये टीचिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट्स है। इसके मतलब इसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि मतलब टीचर्स किस तरीके का होना चाहिए एज वेल एज स्टूडेंट्स किस तरीके से होने चाहिए, और जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग इन टीचिंग और मेथड ऑफ टीचिंग, और जैसे कि टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स है, किस तरीके से टीच किया जा सकता है, और इवेल्यूएशन सिस्टम जो है किस तरीके से होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही रिसर्च एप्टीट्यूड, एज ए टीचर वी शुड नो रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसमें जैसे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च एज वेल एज स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च इथिक्स, रिसर्च में इथिक्स कौन कौन से होते हैं, पेपर किस तरीके मतलब व्हाट इज़ मीन पेपर, आर्टिकल्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम्स, एज वेल एज थीसिस राइटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट। तो ये सब पॉइंट हमें जैसे कि कवर करना है। ये आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको ये सब पॉइंट रिमाइंड करके देना है। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखें, आपको मतलब ये पूरे पॉइंट्स आपको मतलब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या कवर किया है और आपको क्या कवर करना है। तीसरा जो चैप्टर है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या है, पैसेज दिया गया होता है और पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है पैसेज पढ़ के। तो ये बहुत ही जैसे कि प्रॉपर से पैसेज पढ़ना जरूरी होता है, तो आप प्रॉपर से पढ़ने के बाद उसका आंसर दे सकते हैं। उसके साथ साथ ही चैप्टर 4th इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है ये इस चैप्टर में कवर किया है। तो कम्युनिकेशन उसमें जैसे कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें बैरियर्स कौन कौन से आते हैं, उसके साथ साथ ही इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कौन सा होता है, और इसमें जो जितने भी डीप स्टडी है वो करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स है इसमें। 5th चैप्टर जो है वो रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप्स, क्लासिफिकेशन, उसके साथ साथ ही उसमें
लॉजिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट इवेल्यूएशन एंड डिस्टिंग्विशन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। और ये तो बहुत ही मतलब इवेल्यूएशन एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स देखे तो उसमें उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो वर्बल एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, अप्लाइड एनालॉजी, ओके, वर्बल क्लासिफिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल डायग्राम, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप एंड मल्टीपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, तो वीन डायग्राम एज वेल एज एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये पॉइंट्स हमें लॉजिकल रीजनिंग में कवर करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें सोर्स ऑफ डाटा, एक्विजिशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस एंड मैपिंग ऑफ डाटा, ये तो ये पॉइंट्स हमें कवर करने पड़ेंगे। तो देखो कौन से पॉइंट्स आपने कवर करे। इसके साथ साथ ही क्वेश्चन पेपर में से जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसमें के ये ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आपको हेल्प हो जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इसमें ICT का मीनिंग क्या होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यूजेस एज वेल एज जनरल एब्रीवेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, इसमें सब बेसिक्स दिया गया जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है पीपल एंड एनवायरनमेंट, इसमें पीपल एंड एनवायरनमेंट के बारे में और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन होता है इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोर्स ऑफ पोल्यूशन पोल्यूटेंट एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस लाइफ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हजार्ड एज वेल एज ए मिटिगेशन, ओके। तो नेक्स्ट और लास्ट जो चैप्टर रहेगा वो हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉर्मल एज वेल एज डिस्टेंस एजुकेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल, जनरल एजुकेशन, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, कंसेप्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंटरेक्शंस। तो ये पॉइंट्स हमें कवर करना है। आज हमने जो देखा है इधर तो कुछ क्वेश्चंस है, ये तो हमने सिलेबस देख लिया। ये सिलेबस आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। सिलेबस जैसे कि सिलेबस पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको सिलेबस रिमाइंड करके देना और आपका स्टडी इस सिलेबस का कितना हुआ है वो आपको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और आपका जो नेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको मदद हो सके। तो चलो दोस्तों आज इधर ही हम रुकेंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड सो दैट दे कैन वॉच सिलेबस एंड। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ओके। तो चलो बाय एंड थैंक यू फॉर